वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? हम सब बहुत अच्छे हैं। एंड गाइज, हम सो के उठे थे काफ़ी पहले और ब्लॉग अब देर में स्टार्ट हो रहा है। ये पीछे मेरा बॉडीगार्ड खड़ा है, क्योंकि ऐसे ही रोल में खड़ा है तो इसको बॉडीगार्ड ही। हाँ, सो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। डोंट फाइट। ओके मैम। हाँ, सो से हाय। हेलो। ओके, गुड। सो गाइज, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शूट होने वाला है, बिकॉज आज कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको बाद में बताती रहूंगी। बट अभी मैं और मेरे बॉडीगार्ड ने कुछ चीज है जो साथ में स्टार्ट करी है। मैं तो बताता हूँ गाइस को कि हम क्या स्पेशल चीज है। गाइस, तू इतना लंबा क्यों है, नीचे हो? हम लोग जिम जा रहे हैं। जिम गाइस, ये गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बाद में बताने वाली थी, बट गाइस ये तो रेगुलर जिम करते ही है। बट गाइस, मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मोटी होती जा रही हूँ और मुझे इतना मोटा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं जिम जाऊँ। तो गाइस, पता है आपको, पिछले एक दो हफ्ते पहले मैं एक जिम में बात करके आई थी जो हमारे इधर है, एंड मुझे लगता है कि हमारे इधर की सबसे बेस्ट जिम है वो, बिकॉज बहुत सही है, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे फालतू घूमते रहते हैं लोग। तो बट वो वाली जिम है जो बहुत अच्छी है और क्लासिक भी है, थोड़ी अच्छी है, मतलब सबसे अच्छी। और अंशु तो कहता है कि वो अपने इधर की सबसे बेस्ट जिम है, तो हम दोनों वहाँ बात करके आए थे। ये कहीं और जिम करता है बट मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तो इसको मैंने ले लिया अपने साथ। एंड गाइस, तो आज से हम कर रहे हैं अपनी जिम स्टार्ट, मैं भी जाऊँगी। तीन से पाँच का हमारा टाइम है दोनों का जिम का, बिकॉज मैंने भैया को बोला था, भैया मुझे थोड़ा गाइस मैं बताता हूँ जिम किस लिए जा रही, रील बनाने के लिए बस। नहीं यार, रील बनेगा, व्लॉग बनेगा बस। मैं रील बनाने के लिए महीने का पैसा दूंगी। नहीं गाइस, देखो डेली डेली तो जिम का व्लॉग में बनाऊंगी नहीं, फिर आप भी कहोगे दीदी बोर हो गए अब जिम का व्लॉग देख देख के डेली। बट हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ अपने जिम का। मैं पता अंशु, पर मुझे तो पता ही नहीं जिम में जाके क्या करते हो। वो बताएगा ना ट्रेनर। अच्छा, वो किस लिए होता है? और तू जब पहली बार गया था तुझे भी बताया था उन्होंने? मैं तो अभी तक पूछ के करता हूं। अच्छा, वो अलग अलग एक्सरसाइज बताते रहते हैं ना, कभी कुछ कराते हैं। मुझे कह रहा कि चल खड़ी हो जा, अपने कपड़े निकाल ले, चल मैं तुझे बताता हूँ कि तू क्या कपड़े पहनेगी, क्या ये करेगी। तो गाइस, हाँ, जब हम नए नहीं जाने की हमारी बात हुई थी ना, तो कह रहा बहन तो अच्छा चल तुझे शूज दिला गया, तो ये शूज तेरे पास है ही नहीं, चल मेरे पास तो है। फिर आज मैंने अपने कपड़े तो निकाल लिए जो मुझे पहन के जाने, बट यार जिम के लिए जाने के लिए ना मैं खरीद के लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है नहीं यार कभी ऐसे जिम के लिए स्पेशल आउटफिट्स, तो ऐसे मेरे पास है नहीं। बट अभी अंशु जा रहे हैं, कुछ नहीं होता, लोअर टी शर्ट पहन लो। हाँ, पर मेरे पास लोअर नहीं है ना गाइस, तो मैं लोअर लेके आऊंगी। और बाकी चलो अभी चलता है, मैं शूज लेने जा रही थी, स्पोर्ट्स शूज, क्योंकि अभी मैंने पहने ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। बट अभी बारिश हो रही है, कहीं दूर तो जा नहीं सकते, तो अपने वजीराबाद से ही लेने चल रहे हैं। तो चलो चलते हैं एंड मिलते हैं फिर आगे। बारिश ना बहुत ज्यादा ही तेज हो रही है, तो मैं आज शूज का पार्ट अपना स्किप कर रही हूँ गाइस, कल लेके आऊंगी, क्योंकि यार बहुत तेज बारिश हो रही है। और हमारी जो छतरी है वो गाइस उषा दीदी लेके गई थी, और उषा दीदी को एक हफ्ता हो चुका है ले जाए हुए, उसके बाद से दीदी ने वापस ही नहीं लाके दी, तो कल मैं उन्हें भी याद दिलाऊंगी। तो अभी मैंने कहा चल यार आज कौन सा फर्स्ट डे जाते ही, वो मेरे से कहेंगे कि मशीनों पर लेट जाओ। वैसे तो वो मैं अपने मन के लिए ला रही थी, बट चलो अब नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं। बट मैं जा रही हूँ गाइस अभी नहाने के लिए, और फिर नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और वैसे 3:20 बचे हैं और बारिश इतनी तेज हो रही है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे जाएंगे। बट अंशु कह रहा है कि वो बिल्कुल स्किप नहीं करेगा, मैंने बोला कल से चलेंगे, तो वो कह रहा है नहीं तुझे बोला है ना आज से ही चलेगी, तो तू आज से ही चलेगी, वो नहीं स्किप कर रहा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, मैं एक अम्ब्रेला बिना आंटी से ले लूंगी और एक हमारे पास पड़ा हुआ ही है, तो हम दोनों अम्ब्रेला लेके चलेंगे चले जाएंगे, वरना जीजू आ गए तो हमें जीजू छोड़ाएंगे। तो चलो नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्यों नहा के, और मैं रेडी भी हो गई हूँ गाइस। देखो अंशु की टी शर्ट पहनी है, प्रेरणा का लोअर। कभी कभार मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी पूरी आउटफिट स्टाइल हो जाती है और उसमें मेरा कुछ भी नहीं होता, सब अंशु और प्रेरणा का होता है। तो मैं तो मतलब बहुत खुश रहती हूँ, अंशु का भी सब कुछ आ जाता है, प्रेरणा का भी सब कुछ आ जाता है। और तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बाकी शूज का सीन अभी तक समझ नहीं आ रहा गाइस। बारिश वैसे अब बंद हो गई है, तो अंशु और मैं देख रहे हैं हमें क्या करना है। एंड ये अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है, ले रही हूँ, और चलो चलते हैं फिर मिलते हैं गाइस। और मैं निकल चुके हैं अपनी जिम जाने के लिए, जीजू आए थे, जीजू से बुलेट छीन के लिए आए। हमने कहा जीजू एक घंटे में आ रहे हैं, आप कर रहा हो गाइस। और ये रहा सामने हमारा जिम, बाकी ऊपर से चल के दिखाएंगे आपको। अंशु को ये वाली जिम काफी ज्यादा पसंद है, और मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं गाइस देखना। चलो चलते हैं फिर गाइस, मिलते हैं आप लोगों से। आ चुके जिम पे, और गाइस ये देखो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत मजेदार है। बाकी ये है हमारी जिम, इस पूरी जिम खाली है मेरे लिए। वो मेरे मत मारती हो गाइस, मेरे भाई में बहुत ताकत है।
मुझे भैया ने साइकिलिंग के लिए कहा है तो चलो गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी साइकिलिंग और अंशु आया था मुझे बताने के लिए साइड में बैठ के कि बहन इतनी तेज पैर चलाते हैं इस पर, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि स्टार्टिंग में वो कैसे करता था। एंड यहाँ पे गाइस ये अपना ही अलग लगा पड़ता था गाइस। मैंने तो फिर भी गाइस भैया ने मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई थी एंड सब कुछ यार, मतलब कुछ कुछ तो मुझे ईजी लगी, कुछ कुछ बहुत टफ लग रही थी, जिन्हें करने में ना मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। बट भैया ने कहा धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा, तो अभी आप कंटिन्यू करो। तो वैसे मज़ा तो बहुत आया बट हाँ पेनफुल काफ़ी था गाइस। इसके बस की नहीं है पर ये तब भी कर रही है, ढहने वाली है, ढह जाएगी, अभी ढह गई, ढह गया। कंप्लीट और हम घर जा रहे हैं गाइस। मैंने से बोला लिफ्ट से चले था गाइस, लिफ्ट से नहीं चला, देखो यूं तो उतर रहा है गाइस, खुद से नहीं उतरा जा रहा, पर कार्डियो हो गई, बहुत जोर पड़ रहा है गाइस सच में, कार्डियो हो गई, क्या कार्डियो यार, बहुत जोर पड़ रहा था। चल फटाफट उतर, चल चलो गाइस। अपने बर्थडे पे बुलेट चाहिए, तो गाइस इसकी पर्सनालिटी बुलेट पे अच्छी लगती है या नहीं कमेंट करके बताओ। लगती होगी तो हम इसको बुलेट गिफ्ट करेंगे, नहीं लगती होगी तो हम इसको बुलेट गिफ्ट नहीं करेंगे। नहीं गाइस पर चलो आप लोगों की राय भी ज़रूरी है गाइस, जैसे फैमिली मेम्बर्स है सबकी गिनती होती है, तो अब आप भी फैमिली मेम्बर्स ही हो टर्न कर, तो गाइस आप बताओ कि इसे हमें हमें इसको इसके बर्थडे पे बुलेट गिफ्ट करनी चाहिए या नहीं। घर पे और मुझे देखो मेरा बच्चा कैसे मिला, खेलता हुआ मिला मेरा बेटा मुझे, कितना सुंदर लग रहा है आज, तो कितना सुंदर लग रहा है देखो गाइस, ये इतना सुंदर बेबी किसका है, बोता मैं गर्म पानी से नहाऊं और जितनी तो है, मैंने इसको बोला इतना सुंदर बच्चा किसका, तू बोल मेरा किसका है ये इतना सुंदर लग रहा है जो बाबू। अच्छा जाओ कल पा मत, उसे गिर मत जाना नोना, कितनी पतली लग रही पे सो गई है, प्रेरणा गई है कहीं पे जीजू के साथ काम से, नोना गाइस ये रही नोना सो गई है गाइस, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी अपना कंबल वम्बल लेके बैठी हूँ, ये नोना को उड़ा दिया मैंने गाइस, इससे भी अभी थी मैंने कहा फ़ोन छोड़ अब तू भी सो जा, और प्रेरणा कहीं गई हुई है, मम्मी भी आज घर पे नहीं है, मम्मी को भी काम था, मम्मी भी आ गई हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं नोना तो सो गई, मैं सोच रही हूँ कि वैसे ही गाइस सच में पता भैया खुद ही कह रहे थे कि ना फर्स्ट डे आप जिम करो ना जब भी, तो ना बॉडी में पेन रहता है, फिर मोस्टली जो लोग फर्स्ट डे आते हैं ना वो सेकंड डे ऑफ पे ही रहते हैं, तो आपको ऑफ पे नहीं रहना, मैंने कहा नहीं मैं आऊँगी, तो भैया कह रहे वो तो मैं कल देखूँगा आप आओगे या नहीं आओगे, तो चलो गाइस अभी तो मैं जा रही हूँ गाइस सोने के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, कोई आया है देखते हैं कौन है, कौन है, पापा हैं गाइस, तो चलो थोड़ी देर में, गुड नाइट। सो गाइज रात के 3 बज चुके हैं और हम लोग मूर्थल गए थे क्योंकि प्रेरणा का मन था, ये सबको लेके गई थी गाइज, और बहुत अच्छी ट्रीट भी दी इसने, गाइज मम्मी ना अभी कुछ बेतु का सवाल कर रही थी बिग बॉस को लेके, तो हमने उनके जवाब दिए मम्मी को भी OTT, और मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या क्या सीन है, तो हमने पागल है तो गाइस हम लोग गए थे मूर्थल और प्रेरणा लेके गई थी हम सबको, तो हम सारे घूम के आए हैं, मैंने ले गई थी तुम सब मुझे लेके गए हम सब लदे थे मेरे साथ, नहीं गाइस इसका गाइस इसका जीता चौकी गाड़ी ले, मैंने मैं अगर पति पति अकेले भी जाना चाहे तो अच्छा गाड़ी जा रही है मैं भी चलती हूँ गाड़ी अकेले, मेरे को वैसे भी शुरू से ही जाना पसंद नहीं, अगर होता है ना कभी हम हस्बैंड वाइफ, चलो अब सब लोग मेरी बात सुनो सब लोग, अब मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ, सब लोग चुप हो जाओ, घर में भी तो अकेले पड़े रहते हैं, भी अकेले जाए घर में अकेले पड़े रहती है, ये 20 लोग नहीं बैठे तेरे साथ, और इसे देखो गाइस इसे देखो डमड़ी को। सो गाइस मैं ना अभी आप लोगों से कुछ बात करने वाली थी, 100 से ज्यादा ही है, तो गाइस मैं आप लोगों से करने वाली थी कुछ बात, और यहाँ पे कुछ मेरे घर के सदस्य भी बैठे हैं, तो मैं उन लोगों के रिएक्शन भी इस बात पे आपको देने वाली हूँ, तो पुनी देखियो सही आ रहा है, तो ऐसे मेरी बेइज्जती होती है गाइस मेरे घर में, तो गाइस मैं ये बात करने वाली थी कि ना मुझे काफी टाइम से कुछ कमेंट्स आ रहे थे किसी प्रैंक, ये तो कर ले वरना मत कर बात, कब से एकदम कर रही हूं, नहीं अब कर रही हूं, तो गाइस बहुत टाइम से ना मुझे एक प्रैंक व्लॉग को लेके कमेंट आ रहे थे, और वो इतने सारे लोगों के आ रहे थे ना, कमेंट होता है
कमेंट कुछ भी बोल दो, मेरे को पता नहीं क्यों कमेंट की आग वो चढ़ी हुई है। हाँ तो चलो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ना एक प्रैंक व्लॉग के ला दे गाइस, अब सीरियस होकर बात करते हो, ये लोग कर नहीं दे रहे। तो मैंने अभी तक इन लोगों को भी नहीं बताया है कि मैं क्या बात करने वाली, बट हाँ मैंने सोचा था कि मैं अपने आज के व्लॉग में ये बात जरूर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस बहुत सारे प्रैंक व्लॉग के लिए, मम्मी एक मिनट पूछो, तो बहुत सारे प्रैंक व्लॉग के लिए कमेंट थे कि दी आप प्रैंक वो करो, शादी वाला कोई प्रैंक करो अपने घर पे, आप कोर्ट मैरिज करो। और फिर पहली बोर सवाल नहीं, अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे मैंने सोचा कि यार अब इसका जवाब दे ही देती, क्योंकि कुछ लोग ना इतना इसको लेके भड़क गए, उन्होंने मतलब मेरे को कमेंट भी करते हैं और फिर मुझे इंस्टा पे डीएम भी करते हैं और स्टोरीज वगैरह मेंशन करके भी बोलते हैं। तो काफ़ी सा आप लोग बोलते हो, मुझे राय देते हो व्लॉग्स के लिए, तो मैं व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा व्लॉग है या ये अच्छा लगेगा, मुझे भी करने मज़ा आएगा, तो मैं वो करती हूँ। बट ना आप लोगों को भी खुद को भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि दी आप कोर्ट मैरिज प्रैंक करो अपने घर वालों पे। तो कोई लोग ऐसे बोल रहे थे, मतलब मेरे पास डीएम आए कि दी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, हम लोग आपको कितने टाइम से बोल रहे हैं कि आप ये वाला प्रैंक शूट करो जिसमें आपको आप ना शादी कर लो और ऐसे गेटअप में हो ना कि आपने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली और फिर आपको ना प्रैंक व्लॉग शूट करना है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये वाला व्लॉग शूट करो। और फिर मैंने इस कमेंट को काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर कर रही थी बिकॉज मेरा मन नहीं था ये बिल्कुल भी करने का। तो फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि दी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर रहे और उतना भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ मैंने क्या बोल दिया। तो गाइस बात ये है कि गाइस देखो, मैं पहली बात तो ये कि मैं ये प्रैंक व्लॉग नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो हो सकता है मम्मी को हार्ट अटैक आ जाए। क्यों मम्मी? आप तो मेरे को पता ही है तू करने वो करेगी। पर नहीं गाइस, मैंने ना मैं आपको अगर सच बात बताऊं, गाइस तेरे को अगर कोई आइडिया देते हैं ना तो मुझे तो वैसे अगर प्रैंक का तो वो तो मेरे लिए तो मुझे पहले ही पता चल। तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने एक बार सोचा था कि मैं ये प्रैंक करने वाली हूँ, जिसमें मैंने क्या सोचा था कि मैं ना मतलब ऐसे शादी करके गेटअप हुआ कि हाँ कुर्ता वुर्ता पहन रखा, चूड़ा वगैरह सिंदूर वगैरह पूरा गेटअप लेके और कोई लड़का अरेंज करती मैं अपने लिए, फिर कोई लड़का अरेंज हो जाता व्लॉग के लिए और उसके बाद ना गाइस मैं घर वालों को ना कॉल करके मंदिर पे ही बुलाती, मैं घर नहीं आती। मैंने सोचा था किसी टाइम पे कि मैं ये प्रैंक व्लॉग शूट करूंगी तो नंदी पे आप विराजे। तो गाइस मैंने सोचा था कि ना मैं ऐसा व्लॉग शूट करूंगी जिसमें ना मैं मंदिर पे ही फिर मम्मी को या प्रेरणा को पापा को फोन करके बुलाती और उसके लिए मैं दो तीन लोग लेती या तो मैं अपना कैमरा कहीं दूर से शूट करवाती या मैं माइक यूज करती या मैं कुछ भी करती, बट मैंने सोचा था एक टाइम पे, बट हाँ मैंने ये नहीं करा। बट अभी आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि हो सकता है जो लोग अभी अभी देख रहे हो सारे ही, बहुत सारे लोगों ने पूरी मत कर यार, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर भी रखे हो इस वाले व्लॉग के लिए। तो गाइस देखो मेरा मेन बात कहने का मतलब यही था कि मैं ये वाला प्रैंक व्लॉग इसलिए नहीं, ये वाला प्रैंक व्लॉग मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये घर में सबको बहुत हर्ट होगा अगर मैं ऐसा कोई प्रैंक व्लॉग करती, भले ही हाँ बाद में मैं बोल दूं कि ये प्रैंक व्लॉग है, बट फिर भी जो पहला रिएक्शन होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ेगा और फिर सब घर में कलेश हो या युद्ध हो या फिर आप लोगों को पता कभी कभार हाँ मैं पिटूँ। अभी आप लोगों को मैं छोटा मोटा पिट जाती हूँ व्लॉग में, तो आप लोगों को लगता है कि कशिश दीदी आप इतना क्यों पिट गए या फिर आपके ये आप लोगों आपको मार पड़ गई है वो, बट ऐसे प्रैंक व्लॉग में और ये मतलब बहुत मतलब मेरे को नहीं ये आइडिया अच्छा लगा। तो गाइस फोन कितनी तलब है इसे मम्मी। तो गाइस मेरा मेन यही है रीजन, मैं ये वाला व्लॉग मैंने आज तक इसके लिए रिप्लाई किया किसी को कमेंट में या फिर मैंने आज तक मैं रिप्लाई की बात कर रही हूँ मम्मी। अब मम्मी अगर मैं ये वाला प्रैंक व्लॉग करूँ तो आपके कैसे, अगर मैं मैंने ये क्लिप ना बनाई होती और मैं ऐसा कोई व्लॉग करती प्रैंक व्लॉग जिसमें मैं ऐसा रिएक्ट करती कि हाँ मैंने शादी कर ली, शायद मैं तेरे उसको लेके प्रैंक को लेके ना इतनी सीरियस होती, लेकिन मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, दो सीरियस हो जाती। तो गाइस देखो मेन रीजन यही है कि मैं नहीं चाहती ऐसा कोई प्रैंक करना क्योंकि घर में सब लोग बहुत हर्ट हैं, हमारे घर में दिखाई एंड चक्की है, ये चक्की चाहे यहाँ से घुमा लो यहाँ की रुकनी है, चक्की चाहे यहाँ से घुमा लो रुकनी है यहाँ मेरे ही। तो गाइस देखो आप लोग बताना कितने लोग मुझसे एग्री हो ये वाले प्रैंक को लेके, कि मैं वैसे देखो आप लोग अगर सभी लोग एग्री भी हो गए मैं तो भी ये प्रैंक नहीं करूंगी क्योंकि ये अगर ऐसा तू करेगी ना तो मेरे से ज्यादा तकलीफ उसको होगी, पता है उसको लगेगा कि मेरे से इंस्पिरेशन लेके नहीं। तो गाइस देखो तो गाइस ये प्रैंक व्लॉग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो
तो कौन कौन लोग मुझसे एग्री, और गाइस जो लोग कमेंट कर रहे हो कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप तब भी नहीं ये बना रहे, कमेंट ब्लॉक कर दूंगी अब मान जाओ। तो देखो गाइस आप लोग सपोर्ट करते हो उसके लिए मैं बहुत हमेशा आप लोगों की आभारी रहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। बट हाँ, अब मैं की हुई गलत चीज करने के लिए आप लोग बोलोगे तो वो तो अब मैं नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए गाइस बुरा मत मानना जिन लोगों ने भी ये कमेंट करे थे। मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट ब्लॉग में या मे बी इसी में मिले तो मैं ऐसे भी शेयर करूंगी, मुझे ऐसे ही मैसेज आया कि दिया आपने नहीं करा या आप कर नहीं रहे, आप इग्नोर कर रहे हो। बट गाइस रीजन ये है कि मैं नहीं करना चाहती ये वाला प्रैंक व्लॉग, मुझे बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं लगा ये, क्योंकि घर वालों के रिएक्शन बहुत खराब रहने वाले हैं इस वाले व्लॉग पे। तो यही रीजन है कि एंड कौन कौन मुझसे एग्री करता है बताना जरूर कमेंट करके। एंड मेरा आज जिम वाला डे था जो कि बहुत ही हेक्टिक रहा, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी पहले दिन ही जिम करके। भैया मुझे बोल भी रहे थे कि जो पहले दिन जिम आता ना फिर वो दूसरे दिन भी आता है, मैंने कहा भैया बट मैं आऊंगी। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ, और इस वाले ब्लॉग का मैं यही पे एंड करती हूँ। न्यू वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।